हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज के व्लॉग में लेके आए हैं कुछ खास और कुछ नया। तो जी चल गई है सुबह की झाड़ू और काम तो ऐसा है कि झाड़ू निकाल के और चाय पी के शुरुआत होती है और हमारे शेर को खाना खिला के और तो एक दो कुत्ते बाहर भी उनको भी खाना खिलाते हैं। काफ़ी दिन हो गए लेकिन खेतों में पानी अभी तक नहीं सूखा है। कपास नुकसान हो रहा है, कपास में काफ़ी नुकसान हो गया। इस साइड जिस साइड पानी भरा हुआ उस साइड तो कपास जल चुकी है। और ये ताऊ जी का खेत था, हमारे वाले खेत में इतना पानी नहीं भरता है। जिस साइड भरता उस साइड ज्वार वगैरह लगाई हुई है, तो जिस जहाँ पे भरता ना वहाँ पे ज्वार में काफ़ी नुकसान है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी ज्वार हो रखी है यहाँ भैंसों का चारा। और अब आज के जो लोग में लेके आए ना वो यही है कि जो सब्जी है ना मार्केट में इतनी महंगी होती जा रही है, उसका रीज़न क्या क्या कारण है। तो हमारी सब्जी भी हमने जो लगाई थी उसमें काफ़ी नुकसान हो गया है और उसके स्प्रे के लिए अभी ये तैयारी कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। मार्केट में जाते हैं तो सब्जी इतनी महंगी हो गई है, कोई भी सब्जी 30 से 40 रुपये से नीचे है ही नहीं, कम से कम रेट है ये। और जो सब्जी इस टाइम सस्ती हो जाती है ना उसके भी जो प्राइस है ना वो इतने हाई हो गए हैं, समझ नहीं आता। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सब्जियों में क्या रोग लग गया है। टमाटर इस साइड का बिल्कुल पीले पड़ गए हैं और ये है हमारी चोले की, तो ये भी बिल्कुल जल गई है। इसमें ये वाला रोग लगा हुआ है, चेपा लग गया है इसमें, तो इस साइड बिल्कुल जल गई है। जो बढ़िया बढ़िया फली थी वो मैंने निकाल ली है और इस पर आज करेंगे स्प्रे, क्योंकि अगर इस पर स्प्रे नहीं किया तो पूरी सब्जी को ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं ये स्प्रे कर रही, आज लेके आए थे, पता नहीं कौन सी दवाई है, इनको ही पता है इसके बारे में। तो अभी इस साइड टमाटर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तभी मार्केट में टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से ही सब सब्जी ऐसे जल गई जैसे पता नहीं ऊपर से केमिकल आया है, क्या हुआ है या समझ ही नहीं आ रहा। तो पता लगा कि जो बारिश हुई थी ना उससे जहाँ भी सब्जी लगी हुई थी ना वो सारी सब्जियाँ ही ख़त्म हो चुकी है। यही कारण है कि मार्केट में इतनी महंगी सब्जी हो गई है, क्योंकि सब्जी लग ही नहीं रही, क्या करें। हम यहाँ पे देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सब्जियाँ लगी हुई है, जब जाके देखते हैं ना तो बिल्कुल फाल नहीं है, कोई फल नहीं है, बस ऐसे ही लगे हुए हैं। ये रोग नहीं होगा तो हो सकता है कि सब्जियाँ बच जाए, लेकिन एक बार तो कोशिश करेंगे ही, अगर नहीं हुआ तो फिर नए सिरे से ही सब्जी लगाएंगे, क्योंकि पता नहीं आपके बार तो सब्जी में क्या हो गया है। तो ये तोरी भी इतनी मतलब ज़्यादा बढ़ रही है, और जो लगती है ना पहले जो लगती थी वही लगी हुई है और अब सब्जी ये भी नहीं दे रही। तो ये टमाटर बेल वाले टमाटर लगाए हुए थे ये अब बढ़ने से रह गए और नई फाल देते हैं, जो पहले लगे थे इस पर भी वही लगे हुए हैं, क्योंकि सब सब्जी पे ही रोग लगा हुआ, ऊपर से ऐसी हो गई है जैसे इस पर किसी ने ऐसा। काफ़ी मेहनत करके सब्जी बनाई थी लेकिन अब देखते हैं ना तो काफ़ी दर्द होता है, इतनी मेहनत की थी और एक ही मिनट में ऐसा हाल हो गया, एक बारिश ही पूरी सब्जी को ले डूबी। तो मार्केट से तो सब्जी खरीदी नहीं जाएगी क्योंकि इतनी महंगी हो गई है, अगर एक सब्जी भी लेके आते हैं ना तो 40 रुपये चाहिए, और एक सब्जी अकेले से तो बनती नहीं, उसके साथ प्याज भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, सब चाहिए। तो अभी इसी को ठीक करते हैं, जो
सब्जी मैंने इसमें से चोले निकाले थे, अब उनकी सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो बढ़िया बढ़िया थी वो सब्जी मैंने निकाल ली है सारी, क्योंकि स्प्रे करनी थी ना, स्प्रे से पहले जितनी भी सब्जी लगी हुई होती है, चाहे छोटी बड़ी जैसी भी होती है, उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में घातक हो जाती है। तो वो मैंने निकाल लिया है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और छोले की सब्जी, और साथ में बनाऊंगी घिया का रायता, क्योंकि आलू कम खाते हैं बड़े और बच्चे आलू ज़्यादा खाते हैं, तो छोले इतने ही थे। तो इसमें प्याज और करौंदे, लहसुन और अपनी सब्जी ली है। अब इनको जल्दी से तड़का लगा लेते हैं। तड़का तो ऐसे सिंपल तरीके से ही लगाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेते, वही अपना जीरा, नमक, मिर्ची और धनिया, हल्दी, बस यही चीज़ यूज करते हैं। ज़्यादा गरम मसाला वगैरह इसमें यूज नहीं करते डेली सब्जी में। कभी कभी खाते हैं ना, तो उसमें हम मसाला यूज कर सकते हैं। रोज़ खाएंगे तो ऐसे है कि भाई अपने पेट में दिक्कत हो जाती है, तो इतनी हिम्मत नहीं है ऐसा खाना खाने की। तो सिंपल खाना ज़्यादा बनाते हैं घर पे, और गाँव में तो चलता सिंपल है। थोड़ा बहुत भी मसाले वगैरह अगर यूज कर लेते हैं ना, तो फिर घर में कोई खाता नहीं है, तो कभी कभी खाते हैं। और यही कारण है कि भाई गाँव वाले थोड़े से फिट रहते हैं, क्योंकि उनको ये मसाला वगैरह नहीं पसंद है, वो सिंपल खाना पसंद करते हैं, अपना देसी खाना पसंद करते हैं। तो ये हमारी सब्ज़ी अभी मैंने तड़का लगा के और तैयार कर दी है। उसमें करौंदे डालेंगे बाद में, क्योंकि करौंदे होते खट्टे और पहले डाल देते तो हमारी सब्ज़ी जल्दी से पकती नहीं है। तो ये हाफ कुक हमारी सब्ज़ी हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये करौंदे, और अभी मिलाएँगे नहीं, क्योंकि अभी हाफ कुक हुई है, और दोनों ही पक जाएंगे, करौंदे भी पक जाएंगे अब और हमारी सब्ज़ी भी पक जाएगी। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये सब्ज़ी तो है बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी, आलू ज़्यादा है क्योंकि आलू मैंने ज़्यादा डाले थे, क्योंकि ये सब फली थी, ये कमी थी, तो इसलिए ये बच्चे तो बस बच्चों की आज मौज हो जाएगी। बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी है ये, क्योंकि दो बार खाते खाना, तो वहाँ पर तीन बार खाना खाते हैं ये, तो बच्चों के लिए तो मैंने बना दिया है। वैसे हम मिर्च को छोक के रखते हैं हमेशा, फ्रिज में रखी रहती गर्मी गर्मी, तो परमानेंट रख के रखते हैं। तो अब बनाती हूँ मैं रायता, और रायता के लिए मैंने घिया को उबाल लिया है, और अब कढ़ाई में तेल डाल के उसमें राई का तड़का लगाया है, क्योंकि ये तड़का लगा के हम रायता बनाते हैं। और ये डाल दिया मैंने घिया, इसको उबाल के कस के और अच्छे से निचोड़ के बिल्कुल बारीक कर लिया है, और इसमें डाल दी हल्की सी मिर्ची, काली मिर्ची और सेंधा नमक, ये सब डाल दिया है मैंने, और इसको अच्छे से चला लिया। अब पहले कर लेते हैं जीरे को, भून लेते हैं, वही जीरे को तो भून के वैसे ही बनाते हैं सिंपल तरीके से। तो इसमें मैंने दही और लस्सी को मिक्स कर लिया है, ऊपर से जो हमने अपने घिया को तैयार किया था वो मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अगर वैसे नहीं है तो हमारे पास जो रही आती है छोटी वाली, उससे कर सकते हैं। तो इसको हमने मिला लिया है, और लगा देंगे इसमें दुआरी, और दुआरी लगाते हैं तेल से और हींग से, ये डाल के, और पाँच मिनट तक हम इसको ढके रहने देंगे, ताकि इसकी जो भी खुशबू है वो पूरे रायते में समा जाए। तो मैंने ये थोड़ा ही रायता बनाया है पापा जी के लिए और इनके लिए, और मेरा फास्ट है, मैं खाऊंगी नहीं, मम्मी भी थोड़ा ही लेती है, क्योंकि मम्मी को शूट कम करता है रायता, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे दही खाते हैं। तो ये रायता हमारा बनके तैयार हो गया है खाने में, बिल्कुल लजीज, बहुत अच्छा रायता बनके तैयार होता है। और ये कपास की हालत हो रखी है, इसमें मतलब हलवा निकालते हैं ना, तो बीच में मजदूरों से काम करवाना पड़ता है, घर में भी टाइम नहीं होता, नहीं तो घर पे कर लेते, लेकिन टाइम नहीं होता, ये भी सुबह सुबह निकल जाते हैं, और मेरे को घर का काम हो जाता है, और मम्मी पापा की इतनी उम्र नहीं है कि इतना कुछ काम कर सके, तो मज़दूरों से ही करवाना पड़ता है। तो कपास में अभी फिर से मज़दूर लगवाने पड़ेंगे, उनको भी करना पड़ेगा काम साथ में उनके। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।